तो आप आ चुके हैं, तैयार है ना? ओके, देखिए क्या है ना कि आज के सुपर बिजी लाइफ में अपनों के साथ दो पल मिल जाए, क्वालिटी टाइम मिल जाए ना, तो आप ब्लेसिंग्स समझिए इसे, और आप ब्लेस्ड रहें, इसीलिए हम ये शो लेकर आते हैं खास तौर से आपके लिए। हाय हेलो वेलकम, मैं हूँ आपकी होस्ट रफत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक। और चलिए आज के सफ़र को शुरू करते हैं बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वैरायटी के साथ, बहुत सारे टैलेंट के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। हमारे सवाल भी होंगे और आप भी होंगे, इस माइक के साथ पब्लिक भी जुड़ेगी, और हाँ जी, सबसे बेहतरीन जो क्लासी लुक आप देखते हैं हमारे स्टूडियो का, वो कहाँ पीछे छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने बिल्कुल क्लासी लुक के साथ, एकदम झमाझम म्यूजिक के साथ सीधे स्टूडियो से, क्योंकि कलाकार इंतजार कर रहे हैं और हम भी बस लौट कर आते हैं इसी माइक के साथ। Thank you.
और देखिए स्टूडियो में तो माहौल बना हुआ है और आपके घर में भी माहौल बना हुआ है और इस माहौल में और जरा रंग भरने के लिए हम बाहर निकल गए हैं माइक के साथ और अभी किससे हम बात करने वाले हैं जी ना बताइए। आनंद। जीवन में आनंद है? यस सर। कम लग रहा है, थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। आनंद बताइए अपना नाम। हाँ, गुड गुड। तो अब ये बताइए कि आपके सामने माइक भी है, उधर कैमरा भी है, कुछ कहना चाहोगे? यस मैम। कह दो। मैम शायरी सुनाना चाहिए। माइक पकड़ के। यस मैम। चलो पकड़ लो। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। लेकिन हौसला भी और बढ़ाने की जरूरत है। यस मैम। और इस बात पर तो हम यही कहेंगे कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखते रहिए अपना ये फेवरेट शो, चलते हैं हम किसी और के पास इसी माइक के साथ। लखनऊ के लिए तो इतना ही कहना चाहूंगा कि लखनऊ को समझना है तो जरा पास आइए, इस काम के लिए बतौर खास आइए। और गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं जनाब, इस काम के लिए चौक अमीनाबाद और नखास आइए। क्या बात है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा। तो आपको इंतजार होगा मेरे आज के सवाल का, तो चलिए इस इंतजार को यहीं पे खत्म करते हैं और पूछते हैं आज का सवाल। क्या है इनका नाम जानते हैं? क्या नाम है? पूजा देवी। पूजा जी। जी जी। तो पूजा जी किसकी पूजा सबसे ज्यादा करती हैं आप? शंकर जी की पूजा। शंकर जी की पूजा। अच्छा, तो जो आपने मांगा था वो पूरा हुआ? जी। चलिए अब एक सवाल है मेरा, उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। सवाल ये है कि लिखने के पढ़ने के दोनों के आती हूँ काम, कागज नहीं कलम नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? नहीं पता। एक बार और कोशिश कर लो। लिखने के पढ़ने के दोनों के आती हूँ काम, कागज नहीं कलम नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? दिमाग। दिमाग सही नहीं लगाया इन्होंने। क्या आपने दिमाग सही लगाया? देखिए थोड़ा सा और गेस कीजिए, आस पड़ोस में बातचीत कीजिए, शायद जवाब मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, शो के एंड तक बने रहिए, जवाब हम पहुंचाएंगे। चलिए इन्हीं के पास अपना माइक लेकर पहुंचते हैं। सो हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? नेहा। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब उनसे मुलाकात हुई, वो घड़ी याद है जब उनसे मुलाकात हुई, एक इशारा हुआ दो हाथ बढ़े बात हुई, देखते दिल से भुलाया ना गया, हमसे आया न गया। लेकिन अभी ये माहौल जारी रहेगा, फिलहाल तो ले चलते हैं आपको स्टूडियो की ओर, एक बेहतरीन शानदार कलाकार से मिलवाते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे कनेक्टेड विद ओपन माइक विद म्यूजिक। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब था गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब था गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब था गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पांव में। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पांव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या कर, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आप उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। और देखिए मैं घूमते टहलते बाहर निकली, कितना खूबसूरत फूल मेरे हाथ में है। क्या खुशबू है इसकी। आई मीन नेचुरल जो खुशबू होती है ना वो अलग ही होती है, और ऐसी खुशबू इंसान के अंदर जब नेचुरली होती है ना तो वो पूरी दुनिया में छा जाता है। और ये मंच भी ऐसा ही है, इंसान के अंदर की असल खुशबू यानी उसका कि टैलेंट हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं इस माइक के साथ। और कोई है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? श्रेया द्विवेदी। और मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। रोजाना मैं सोचूं यही कहाँ आज कर मैं हूँ लापता, तुझे देख लूँ तो हंसने लगे मेरे दर्द भी क्यों खामखा। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई इतना अच्छा इन्होंने गाना गाया, अब मेरा मन हो रहा है कि इनके गाने की और इस फूल की खुशबू में थोड़ी देर में गुम हो जाती हूँ। और देखिए अभी सवाल का जवाब लेना बाकी है, और मुझे लगता है कि ये सवाल अगर मैं बच्चों से पूछूँ तो कैसा रहेगा। वैसे कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ खेल रहे हैं। हाँ जी, क्या खेला जा रहा है? अक्कड़ वक्कड़। मम्मी वो 80-90 पूरे सौ। मैं देखती हूँ 100 में से इनको कितने नंबर मिलते हैं, मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, चलो। सवाल मेरा ये है कि आऊँ मैं लिखने पढ़ने के काम, ठीक है, आऊँ मैं लिखने पढ़ने के काम, कागज नहीं कलम नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? बैग। बैग कुछ और है, लिखने पढ़ने के काम आती है वो। दिमाग। बेंच। बेंच लिखने पढ़ने के काम आती है, लिखने पढ़ने में ही काम आती है। हम पेंसिल। मैंने कहा कागज नहीं कलम नहीं, कागज नहीं कलम। हाथ। हाँ? ये लड़के हैं तो वैसे बहुत तेज, इनको 100 में से 100 तो नहीं लेकिन हाँ 100 में से 80 नंबर हम दे सकते हैं, काफी नजदीकी आसपास की चीजों में। लेकिन जवाब अभी भी दूर है, तो चलिए हम जरा दूर दूर घूम कर आते हैं, सही जवाब तक पहुँचेंगे। तो जनाब खट्टा मीठा स्वाद लेते हुए और धूप के साथ थोड़ी सी मीठी मीठी हवा का आनंद लेते हुए ये माइक लेकर मैं बाहर, और किसी से मुलाकात हो रही है मेरी। क्या नाम है आपका? अभय। अभय, सो अभय क्या करते हैं आप और अभी अंदर क्या रखे हैं सुनाने के लिए? मैं गाना, सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है। ओके। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो जीवन जोत
उजागर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम। और ऐसे ही दिल से जो लोग जुड़ते हैं ना बस वो दुनिया में छा जाते हैं अपने काम के जरिए, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वेल, इस शो के जरिए भी कुछ कलाकार अपनी पहचान बना रहे हैं। ले चलते हैं स्टूडियो में, उनसे मिलवाने आपको और वापस लौट कर आते हैं।
मूड का स्विच अगर ऑफ रहा है दिन भर तो चलिए ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब मूड रिफ्रेश होने वाला है आपका। स्टूडियो से बाहर माइक मेरे हाथ में और कोई मेरे साथ में। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष मोहन अवस्थी। उत्कर्ष, तो उत्कर्ष जी बताएं क्या हुनर रखते हैं? मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है जी। तो ये माइक पकड़ ले और शुरू हो जाए। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है, बारिशों की तरह ही तो तूने होश को भिगाया है, मेरा मुकद्दर सवारा है यूं नया सवेरा जो लाया है तू, तेरे संग बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। थैंक यू। अरे रे रे रे, क्या गाया, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और देखिए ऐसे मज़ा आ जाता है जब हम बाहर निकलते हैं और वाकई में कुछ टैलेंटेड लोगों से मुलाकात होती है। जी आपका नाम क्या है? शैलेंद्र मिश्रा। तो शैलेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल से इसका जवाब है जी, कि लिखने के पढ़ने के दोनों के आती हूँ काम, कागज नहीं कलम नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कोशिश की बट ये कोशिश अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। वेल, अगर आपको जवाब मिल चुका है तो खुश हो जाइए, लेकिन एंड तक बने रहिए क्योंकि जवाब हम लेकर आएंगे। स्टे कनेक्टेड। मैंने एक पोएट्री लिखी है जिसका टॉपिक है गुहार। रम गया है रोम जिसमें रूह भी उलझा रही, रोकने को वक्त भी ना राह भी भटका रही, रात तक की भूख में शाम भी जो ढल रही, आस भी तो थी मगर ये आशरे निगल रही, जिद की अपनी ठान में हमें मंजिलें भटका रही, चाह थी जो मंजिलों की है मिन्नतों में जा खड़ी, है कायदे कानून जो विकट घरे में हैं खड़े, तू भूल जाता बेड़ियों को अरसे से जो पैरों पड़े, सिसक रही हैं सिसकियाँ जो बुदबुदाती हृदय में, अश्रु भी गीले पड़े अरमा पे जो जा फिरे, है बस तुम्हें यही कहना न भूलना न सूखना, निखर जाना बस तुम जैसे कोई धनुष तीर का। So, अब बारी है कि इस माइक को लेकर फिर कहीं घूमा जाए और किसी और से मुलाकात की जाए। और देखिए मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में कोई स्पेशल जी, आपका नाम? पंडित विजय। सो पंडित विजय, आपको हॉबीज में क्या पसंद है? हॉबीज मेरी कोई खास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग करता हूँ और कंपोजर हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का एक वो है। आपने बहुत कुछ बता दिया, इतना जबरदस्त टैलेंट है आपके अंदर, तो कुछ हो जाए कैमरा सामने है। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जाऊं दे दूंगा मैं गर तुम ना आई कहीं, तुम उधर जाना उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ू मैं मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे आजा दिल की जमीन पे तू। तो देखा आपने, म्यूजिक की ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना रंग है, ना रूप है, जी हाँ ये बाउंडलेस है और बाउंड्रीलेस है। और समझ लीजिए आपकी, अगर जिसके अंदर म्यूजिक बसा है ना, तो उसके पास सबसे बेहतरीन दुनिया की भाषा है। फिलहाल ये भाषा बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंची है, अब हम स्टूडियो के कलाकार को आप तक पहुँचा रहे हैं और फिर लौट कर आते हैं किसी और तक पहुँचने के लिए। बरसेगा सावन झूम झूम के
दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब जनाब। अब स्टूडियो से बाहर आकर एक नया रंग आप तक पहुंचाते हैं, एक नए ढंग से पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर सिंपल कुमारी। लेकिन लग नहीं रही आप सिंपल। कुछ करने वाली हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा एक सॉन्ग है, इसको मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ जी। अरे कहब तो लग जाई धक से बड़े बड़े लोगन के मजिला दो मजिला, बड़े बड़े लोगन के मजिला दो मजिला और दो मंजिल अलग से। हाय हाय। अरे कहब तो लग जाए धक से हमहन गरीबन के टूटल बा झोपड़ी, हमहन गरीबन के टूटल बा झोपड़ी पनिया चुएला टफ से। हाय हाय। कहब तो लग जाए धक से
बड़े बड़े लोगन तो शादी रचावे, बड़े बड़े लोगन तो शादी रचावे, और रिसेप्शन अलग से, हाय हाय कहब तो लाग जाए धक से धक से। अरे हमहन गरीबन के तिल को बा मुश्किल, हमहन गरीबन के तिल को बा मुश्किल, आयल बेबी भाग जाला झट से। अरे कहब तो लाग जाए धक से धक से। क्या बात है, और पूरे हक से मैं कहूंगी कि बहुत ही जबरदस्त गाया, और ये पूरी भोजपुरी टोन थी ना, कहब तो लाग जाए धक से, बस इसको और मैं फील करती हूँ। तो मेरा सवाल अभी भी बस इंतजार कर रहा है कि कब उसे उसके सवाल का जवाब मिलेगा, और मुझे भी इंतजार है और आपको भी इंतजार है। तो चलिए इस इंतजार को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और मेरे पास कोई है जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है। तो सवाल मेरा ये है कि वो क्या है, ठीक है? लिखने पढ़ने के आता हूँ मैं काम, लिखने पढ़ने के आता हूँ मैं काम, ना हूँ कलम ना हूँ दवात, ना हूँ मैं बस्ता ना कागज, बताओ मेरा नाम। आई डोंट नो। ये किस चीज़ का नाम है ये? अच्छा, मतलब इन्हें नहीं पता। ओके, सो अगर आपने गेस कर लिया तो अभी शांत रहिए भाई, घर में आपस में कानाफूसी करते रहिए, एंड में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल कन्याएं मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हाय। हेलो। सो क्या नाम है आपका? खुशी त्रिपाठी। संस्कृति चतुर्वेदी। विदुषी गुप्ता। मानसी पांडे। बड़े यूनिक यूनिक नाम है भाई साहब, एक से बढ़कर एक। हाँ, मुझे लगता है कि मम्मी पापा ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा होगा ना, है ना? जी। ओके, सो अभी कैमरा सामने है, कुछ गुनगुनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ जी। तो माइक आपके साथ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन कभी न आए। और देखिए एक से भले दो, और यहाँ दो से भले चार, और इनकी ये दोस्ती जो है ना अपरंपार, बस ऐसी दोस्ती बरकरार रहे सबके जीवन में, और हमारी और आपकी दोस्ती भी बरकरार रहेगी। ले चलते हैं स्टूडियो की ओर, वापस आते हैं स्माइल के साथ कुछ और बातें आप तक। सासू जी आपन सनेहा दिखावे, बेटा बेटा कह के ससुर जी बुलावे, बेटा बेटा कह के ससुर जी बुलावे, छोटकी बलमुआ के गाँव रे बड़ा निकला गे, बल
खुले आसमान के नीचे खुली खुली बातें करने के लिए यहाँ मैं मौजूद माइक के साथ और कोई और हैं जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ। क्या नाम है आपका? रितिक। तो किसके फैन हो, कौन से बॉलीवुड एक्टर के फैन हो? किसी के फैन नहीं है। ये सही कहा तुमने, मतलब अपने फैन बनो, ऐसा काम करो, है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे लग रहा है बढ़िया बढ़िया बातें भी करते हो तुम, तो चलो कुछ बताओ, क्या कहना चाहते हो? जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। क्या बात करे भाई साहब की, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और इस शो के माध्यम से पल पल हम आपके एहसास बदलते हैं। जी, ताली बजा सकते हैं घर बैठ के आप। मुझे लग रहा है कि सवाल कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गया है, आपको भी जवाब नहीं मिला ना। वेल, एक आखिरी मौका और मैं दे रही हूँ, उसके बाद तो मैं पक्का जवाब बता दूंगी। तो सवाल पूछने के लिए यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं। हेलो मैम। तो सवाल ध्यान से सुनना, जवाब देने की कोशिश करना। सवाल मेरा ये है कि पढ़ने लिखने के आता हूँ मैं काम, न कागज़ न कलम न दवात न बस्ता, बताओ मेरा क्या है नाम? दिमाग। दिमाग मैम। टीचर। मुँह। मुँह पढ़ने के और लिखने के तो काम नहीं आता, लिखने के तो काम नहीं आता। चश्मा। ताली बजाई घर बैठ के। क्या बात है, क्या बात है, जरा सामने आ जाओ। तो ऐसे देखिए, आज के होनहार बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे नवाब, है ना, और होंगे लाजवाब। तो इस जवाब को बिल्कुल रजिस्टर कर लिए, सही है जवाब, चश्मा इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे पेचीदा सवालों के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो, लौट कर आते हैं कुछ और लोगों के पास पहुंचते हैं इस माइक के साथ, स्टे कनेक्टेड। और देखिए, पब्लिक के बीच हम आते हैं, उनके टैलेंट को आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रैंडमली। लेकिन आपको भी लगता होगा ना कि हम भी काश पार्टिसिपेट कर पाते और हम भी दुनिया को दिखाई देते, लेकिन घर बैठे कैसे पॉसिबल है? आप ये काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी टीम ने किसी को चुना है जिन्होंने घर बैठे हमें वीडियो पहुँचाया, चलिए आप तक पहुँचाते हैं। दूर मेरा लाया मुझको तेरे करीब, ये भी दूर मेरा रमक तेरी, ये भी दूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये भी दूर और अभी आपने जिन्हें स्क्रीन पर देखा इनका नाम है यश, और इन्होंने गाजियाबाद से अपना वीडियो हमारे शो में पहुंचाया और आप तक पहुंचा। तो आप भी इनकी ही तरह ना अपना टैलेंट हम तक पहुंचा सकते हैं और पूरी दुनिया में छा सकते हैं, वो भी घर बैठे। करना क्या है आपको, आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को ऐसे लैंडस्केप मोड में पकड़ना है, एक मिनट के अंदर अपना टैलेंट दिखाना है, लेकिन शुरुआत अपने नाम और अपने शहर के नाम से करनी है। तो आप अपना नाम लीजिए, अपने शहर का नाम लीजिए और अपने टैलेंट को, चाहे आप सिंगिंग करते हो, मिमिक्री करते हो, एक्टिंग करते हो, या फिर कोई आपके अंदर आर्ट है अलग से, स्केचिंग करते हो, आप कुछ भी आप दिखा सकते हो, लेकिन एक मिनट के अंदर। और उसे आपको भेजना है, स्क्रीन पर आपको मेल आईडी दिख रही होगी, openmicwithmusic@gmail.com, बस इस पर भेजिए, क्या पता अगला नंबर आपका हो। फिलहाल हम लौट कर आते हैं और अभी स्टूडियो पहुंचते हैं। कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी, कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी, बिछड़न यार से हम मिलन चाहतानी, बिछड़न यार से हम मिलन चाहतानी, कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी, कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी, बिछड़न यार से हम मिलन चाहतानी, बिछड़न यार से तानी। उनसे मिलन बा जे भैनी दीवाना, उनसे मिलन बा जे भैनी दीवाना, क्षमा बिना जिंदा कैसे राह परवाना, क्षमा बिना जिंदा कैसे राह परवाना, पागल कहे न लोग हमारे हम किताना,
पागल कहे न लोगो हमारे हम पिता कर मदद ये मौला कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी बिछड़ल यार से हम मिलन चाहतानी बिछड़ल यार से हम मिलन चाहतानी। तो जनाब अब निकलने का टाइम है और शो के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और निकलते निकलते आपसे बस एक बात कहेंगे कि कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी को भी कॉपी मत कीजिए, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है, उसे पहचानिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मेरे बगल में ये फूल देख सकते हैं, ये सफ़ेद है लेकिन इसकी अलग पहचान है, अलग खुशबू है और इसीलिए ये अपनी अलग पहचान बना चुका है। तो आप भी अपनी उस खुशबू को पहचानिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए। फिलहाल हम निकलते हैं, देखते रहिए अपना ये फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक ओनली ऑन डीडीओ पे। रफत सेज बाय बाय, टेक केयर। नैना चार भाई पहले मुलाकात हो कैसे जियतान की हुका है घात हो कैसे जियतान की हुका है घात हो सोच सो हाँ पागल कहे ना लोगवा मारे हम के ताना ओ पागल कहे ना लोगवा मारे हम के ताना पागल कहे ना लोगवा मारे हम के ताना कर मदद ये मौला कर मदद ये मौला कर पे आइल बानी कर मदद ये मौला कर पे आइल बानी बिछड़ल यार से हम मिलन चाहतानी बिछड़ल यार से हम मिलन चाहतानी बिछड़ल यार से हम मिलन चाहतानी कर मदद ये मौला 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 कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी कर मदद ये मौला दर पे आइल बानी बिछड़ल यार से हम मिलन चाहतानी 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 बिछड़ल यार से मौला 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 मौला